हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। टॉपिक न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। इस टॉपिक को डिटेल में आपको समझा रहे हैं। इसमें आपको लोनेबर फंड थ्योरी को समझाया जाए, यानी कि ऋण योग्य कोष सिद्धांत। ये सिद्धांत आपको डिटेल में समझा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं क्या है। प्रोफेसर विकसित पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। उन्होंने इस सिद्धांत को उधार दे कोष सिद्धांत भी कहा था। इस थ्योरी में ब्याज दर निर्धारित करते समय वास्तविक तत्वों जैसे उत्पादकता, प्रतीक्षा, ब्याज, बचत आदि के अलावा मौद्रिक तत्वों जैसे मुद्रा का संचय, असंचय, बैंक साख आदि को शामिल किया गया है। ब्याज की दर ऋण योग्य कोषों की मांग की शक्तियों तथा ऋण बाजार में इसकी पूर्ति के परस्पर क्रिया के द्वारा निर्धारित होती है। डिमांड फॉर लोनेबल फंड्स। जिन व्यक्तियों को उपभोग के लिए धन की आवश्यकता होती है तथा विभिन्न उद्यमी जिन्हें विभिन्न उत्पादक उद्देश्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, वे ऋण योग्य कोष की मांग के प्रमुख स्रोत होते हैं। ऋण योग्य कोषों की मांग प्रमुख रूप से तीन कारणों से की जाती है। सबसे पहले है निवेश। ऋण योग्य कोषों की मांग इन्वेस्टमेंट के लिए की जाती है। पूंजी की जो मांग है वो उद्यमियों के द्वारा इसलिए की जाती है कि जो पूंजी है वो उत्पादक होती है। ब्याज की दर कम होने पर ऋण योग्य कोषों के विनियोग के लिए मांग अधिक होती है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट के लिए जो भी कोई डिमांड करता है लोनेबल फंड्स की, तो वो ये चाहता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो। लेकिन यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिमांड इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत कम हो जाएगी, और इसी के वजह से ब्याज दर अधिक होने पर ऋण योग्य कोषों की विनियोग के लिए मांग कम हो जाएगी। इनका नेगेटिव कनेक्शन होता है। जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, इन्वेस्टमेंट के लिए मांगी गई लोनेबल फंड्स की डिमांड कम होती चली जाती है। डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड कम है यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो इन्वेस्टमेंट के लिए डिमांड लोनेबल फंड्स की ज़्यादा है। नेक्स्ट है कंजप्शन, यानी कि उपभोग। कुछ लोग स्वभाव से फिजूल खर्ची होते हैं और वह अपनी आय से अधिक उपभोग पर खर्च कर देते हैं, जिसके कारण उनको लोन लेना पड़ता है। यदि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो उपभोग ऋण अधिक लिए जाते हैं। कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है कि लोगों को लोन लेना पड़ता है क्योंकि उनकी आय बहुत कम है और उनके खर्चे कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे कि सामाजिक संस्कारों को मनाने में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। इस कंडीशन में यदि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो जो लोन उपभोग के लिए जो लोन लिया जा रहा है वो थोड़ा सा कम लिया जाएगा। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो कंजप्शन के लिए लिया जाने वाला लोन कम होता है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट संचय होल्डिंग। व्यक्ति अनेक से संचय करना चाहता है। संचय के लिए ऋण योग्य कोषों की मांग भी की जाती है, और यदि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो होल्डिंग यानी कि संचय मांग अधिक होती है। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि ज़्यादा है तो संचय के लिए मांग कम है, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो संचय के लिए मांग ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब हर व्यक्ति अपने पैसों को सेफ रखना चाहता है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो वो अपना पैसा लोन पे नहीं देना चाहेगा, और यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है, ब्याज दर बढ़ गई है, तो वह अपने कलेक्शन को, अपने पैसे को जो उसने जमा किया हुआ है वो उसको उधार देना पसंद करेगा। अब हम देखते हैं कि ऋण योग्य कोषों की मांग को किस तरह से दिखाया गया है कि DL इज इक्वल टू आई प्लस सी प्लस एच। DL की डिमांड फॉर लोनेबल फंड, I इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, H इज इक्वल टू होल्डिंग, और C इज इक्वल टू कंजप्शन। नेक्स्ट है हमारा सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स। ऋण योग्य कोषों की सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जितना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है सप्लाई भी उतनी ही अधिक होती है लोनेबल फंड्स के लिए। लोनेबल फंड्स के सप्लाई के चार सोर्सेज हैं। सबसे पहला है सेविंग, यानी कि बचत। बचत व्यक्तिगत क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र और गवर्नमेंट सेक्टर तीनों के द्वारा की जाती है। व्यवसायिक क्षेत्र बचतें सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं।
ब्याज दर से, और इस प्रकार जो सेविंग होती है वह सप्लाई और ब्याज की दर, इन दोनों में एक सीधा संबंध होता है। डायग्राम आप देख रहे हैं, जैसे जैसे यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो सप्लाई भी ज्यादा है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो सप्लाई भी कम है, क्योंकि इनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब कोई भी व्यक्ति जो होते हैं, यदि बचत कर रहे हैं, बचत कब करते हैं जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, और यदि बचत कम कब की जाती है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट। ऋण योग्य कोषों की पूर्ति का दूसरा प्रमुख साधन बैंक क्रेडिट यानी कि बैंक साख होता है। व्यापारिक बैंक साख का निर्माण कर सकते हैं। ब्याज की एक न्यूनतम दर के बाद बैंक साख ब्याज सापेक्ष यानी कि रिलेटिव होती है। यह तभी संभव होता है जब ब्याज की ऊंची दर पर बैंक अधिक रुपया उधार देंगे और ब्याज की निची दर पर बैंक कम रुपया उधार देंगे। इस प्रकार ब्याज की दर कम और बैंक साख का सीधा संबंध होता है, इनमें इंटरकनेक्शन होता है, डायरेक्ट संबंध इनमें होता है। डायग्राम में देख रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो बैंक क्रेडिट ज्यादा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बैंक क्रेडिट कम होता है। नेक्स्ट है असंचय यानी कि डिसहोल्डिंग। मुद्रा का एक प्रमुख कार्य संचय करना होता है। संचय से अभिप्राय संपत्ति के उस भाग से होता है जिसे लोग मुद्रा के रूप में रखना चाहते हैं। इस प्रकार असंचय की गई राशि का ब्याज की दर से प्रत्यक्ष और सीधा संबंध होता है। डायग्राम में भी देख रहे हैं आप कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिसहोल्डिंग कम है, और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है तो डिसहोल्डिंग ज्यादा होती है। इन्वेस्टमेंट अनिवेश। अनिवेश का यह अर्थ नहीं है कि उद्योगपति चलता हुआ कारखाना बंद कर दे, परंतु हाँ, यदि उद्योग में किसी भी नई टेक्नोलॉजी के आ जाने से मशीनें पुरानी हो जाए और लाभ दर की आशा अधिक न हो तो उद्यमी अपने इंडस्ट्री को नई कंडीशंस के अकॉर्डिंग नहीं कर बना पाता है और कारखाने को बेचकर उधार ले गई पूंजी का भुगतान कर देता है। इस कंडीशन में को अनिवेश कहा जाता है। जिस समय बाजार में ब्याज की दर अधिक होती है तो अनिवेश अधिक होता है, और ब्याज की दर कम होती है तो अनिवेश कम होता है। कभी कभी आपने देखा है कि जैसे हमारे साथ भी होता है, ये गवर्नमेंट भी करती है, जो पुराने उद्योग धंधे हैं जो जिनसे कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है तो उनको बंद कर दिया जाता है। डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो डिस इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो डिस इन्वेस्टमेंट कम है। ऋण योग्य कोषों की कुल पूर्ति SL इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लोनेबल फंड्स S प्लस BM प्लस DH प्लस DI। S इज इक्वल टू सेविंग्स, BM इज इक्वल टू बैंक मनी, DH इज इक्वल टू डिसहोल्डिंग और DI इज इक्वल टू डिस इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं इंटरेस्ट रेट डिटर्मिनेशन। जिस बिंदु पर उधार दे कोषों की मांग और पूर्ति बराबर होती है वहां पर ब्याज दर का निर्धारण होता है। I प्लस C प्लस H इज इक्वल टू S प्लस BM प्लस DH प्लस DI। डायग्राम में देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया गया एक साइड लोनेबल फंड डिमांड ऑफ सप्लाई को दिखाया गया, और दोनों ये E पॉइंट पर इक्वल हो रहे हैं। नेक्स्ट है लास्ट है ये रिसीज ऑफ लोनेबल फंड थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। संचय की गलत धारणा, सबसे पहला पॉइंट है संचय की गलत धारणा। प्रोफेसर कीन्स का कहना है कि इकोनॉमी में मुद्रा की जो कुल सप्लाई स्थिर होती है, हाँ यदि एक व्यक्ति मुद्रा का संचय अधिक करता है तो दूसरे व्यक्ति को यह कम करना होता है, और इस प्रकार संचय की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी कि जो कलेक्शन किया जा रहा है, जो होल्ड किया जा रहा है, होल्डिंग किया जा रहा है पैसों में, उसमें परिवर्तन नहीं होता। संचय में व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परिवर्तन हो सकता है परंतु सामूहिक दृष्टिकोण से नहीं। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। प्रोफेसर कीन्स के अनुसार 9 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा प्रतिपादित ऋण योग्य कोष का सिद्धांत भी पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। जिन पर प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट है मौद्रिक और अवास्तविक कारकों का अवास्तविक एकीकरण। इस सिद्धांत में मौद्रिक और अवास्तविक कारकों का एक संयोजन है जो ऋण योग्य कोष की मांग तथा आपूर्ति को प्रभावित करता है। ये दोनों तत्व विभिन्न भिन्न हैं, अतः इनका विभिन्न चर मूल्यों पर पड़ने वाला प्रभाव का भी अलग अलग
अध्ययन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है अनिर्धारणीय सिद्धांत, ऋण योग्य को सिद्धांत आय और विनियोग पर निर्भर करता है, विनियोग स्तर ब्याज दर पर निर्भर करता है। इस सिद्धांत के अनुसार ऋण योग्य कोषों की पूर्ति और मांग के सापेक्ष शक्तियां ब्याज दर से निर्धारित होती है और यह सिद्धांत एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जिससे इंटरेस्ट रेट का निर्धारण नहीं हो सकता। और इस प्रकार यह सिद्धांत भी आय पर विनियोग के प्रभाव की उपेक्षा करता है और उन्हें अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है जिन पर प्रतिष्ठित सिद्ध अर्थशास्त्रों का सिद्धांत आधारित होता है। इसी के साथ ये टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।